में आग लग गई है, भयंकर आग लगी है। कई घंटे बीत जाने के बावजूद इस पर कंट्रोल नहीं किया जा सका है। 50 से ज़्यादा गोदाम जलकर खाक हो गए हैं। अभी वहां पर मेरे सहयोगी मृत्युंजय मौजूद है, ज़रा उनका रुख करते हैं। मृत्युंजय, क्या अपडेट है, क्योंकि हमें ये जानकारी है कि अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। जी बिल्कुल रूपिका, दोपहर 1 बजे के करीब मानखुर्द मंडाला नाम का इलाका है जिसके कुर्ला स्क्रैप यार्ड में आग लगी थी। ये जो पूरा परिसर है, पहले तो बता दें कि इसी इलाके में मुंबई का सबसे बड़ा डंपिंग ग्राउंड है और इसी के ठीक बगल में कुर्ला स्क्रैप यार्ड था जहां पर कई गोडाउन थे और यहाँ पे स्क्रैप के सामान रखे जाते थे जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान के अलावा साबुन बनाने का काम होता था और बहुत सारे केमिकल ड्रम रखे गए थे। साथ ही साथ अवैध तरीके से भी कई कंपनियां फैक्ट्रियां चली थी। उसी जगह पर ये आग लगी हुई है और 1 बजे आग लगी थी और 2:30 बजे इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई और अभी तक आग पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। हालांकि इसकी तीव्रता थोड़ी कम हुई है, लेकिन ये इतना बड़ा परिसर है और आसपास में डंपिंग ग्राउंड है, इतना बड़ा स्क्रैप यार्ड है कि इसमें पूरी तरह। मृत्युंजय, आप लगातार अपडेट पहुंचाते रहिएगा। 30 दमकल की गाड़ियां वहां पर मौजूद है लेकिन अभी भी काबू नहीं पाया जा सका। ABP News आपको रखे आगे।